हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूएयू में ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा 14 जून से स्टार्ट होने वाली है, 14 जून से 18 जुलाई तक। इससे पहले दोस्तों, मैं बहुत पहले यूएयू से संबंधित जानकारी भी दिया करता था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने बंद कर दिया था। लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि असाइनमेंट से संबंधित जानकारी, जरूरी चीज़ें मैं आपको देते रहूँगा आगे भी आने वाले समय में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, यूएयू में ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा 14 जून से। ये हैं ओपीएस नेगी, कुलपति हैं अभी, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असाइनमेंट परीक्षा। अभी मैं आपको वेबसाइट पर जाके लिंक दिखाऊंगा और वीडियो का जो लिंक है कैसे आपको देना है वहाँ पर, उस कब के लिए आप बने रहिएगा तभी आप जान पाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असाइनमेंट सत्री परीक्षा 14 जून से शुरू होगी। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि कोई विश्वविद्यालय पहली बार सत्री परीक्षा ऑनलाइन कराएगा इतिहास में। और यूएयू प्रशासन के मुताबिक यदि ये प्रयोग सफल रहा तो आगामी मुख्य परीक्षाएँ भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। तो ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यूएयू सेमेस्टर पद्धति के छात्रों के लिए 14 जून से सत्री कार्य की परीक्षाएं ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहे, इससे पहले मई में होने वाला था लेकिन अब एक महीने का समय मिल गया था तो आप सभी को बताया किस कारणवश। और परीक्षाएँ विषयवार 5 भागों में 18 जुलाई तक चलेंगी और विद्यार्थी समय सारणी और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ www.uau.ac.in अभी भी आपको यहाँ पर ले जाके मैं बताऊँगा कि कहाँ पर दिया हुआ है। कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने बताया कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि अब 14 जून बहुत जल्दी आने वाला है, बस एक दो दिन बचे हैं परसों को। तो ओपीएस नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो ऑनलाइन सत्री परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, वो भी आपको दिखाऊँगा अभी। तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। तो ये है फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ पर भी और ईमेल भी आप कर सकते हैं। तो ये फ़ोन नंबर भी दिए, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो इनरोलमेंट है वो आपको रखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ, बस इनसे ही आपका काम इसमें हो जाएगा। अब चलते दोस्तों लिंक पर। तो ये है दोस्तों, मैंने सिर्फ यूएयू लिखा है और इतने में ही यूएयू की जो ये खुल जाएगा हमारे सामने, बाकी आप पूरा लिख सकते हैं, ये ओपन हो गया है। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पर जल्दी ये खुल गया है। तो ऑनलाइन असाइनमेंट आपको यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन असाइनमेंट पर। ऑनलाइन असाइनमेंट दोस्तों आप यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा किस तरह से आपको करना है करके। और ऑनलाइन सत्री कार्य प्रणाली हेतु समय सारणी के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों के लिए ऑनलाइन सत्री कार्य परीक्षा की रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषयवार परीक्षा के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाने की तिथियां का विवरण तो यहां पर ही दिया गया। तो इनमें से दोस्तों जो जो आपके प्रोग्राम है तो आप इनमें से आप देख सकते हैं अपना कौन सा आपका है, किस दिन है। जैसे 14 जून से जो आपके चलने वाले हैं यहां पर 20 जून तक, तो ये यहां पर इनके लिए देखिए 14 जून से 20 जून तक यहां पर दिए हुए हैं। बाकी यहां पर दिए हुए जैसे 21 जून से लेकर 27 जून तक जिनके चलने वाले हैं, अगर आपका जो भी हो तो आप यहां से अपना देख सकते हैं। और जो 28 जून से 4 जुलाई तक आपके जो जो हैं आप यहां से देख सकते हैं। 5 जून से 11 जुलाई तक आपके जो जो भी हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपका ये कोड है और स्लॉट नंबर। 5 में आप जो 12 से 18 जुलाई तक के बीच में जो जो आपके ये प्रोग्राम है इन आप देख सकते हैं, जो जो आपका इनमें से होगा तो इनके बीच में आपके होंगे। वर्तमान में सत्री कार्य केवल सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों पर ही लागू होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षार्थी ऊपर दिए गए स्लॉट एवं परीक्षा तिथि वो विषय के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से www.uau.ac.in पर सत्री कार्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसमें ऐसा है कि आप दो बार भी दे सकते हैं, माना कि पहले प्रयास में आपका जैसे नंबर कम आ गए, 2 अटेम्प्ट हैं आप दे सकते हैं। बाकी अगर माना नेट नहीं चला, आपने ऑन करके रख दिया तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। तो आपको करना है, अगर माना पहले टेस्ट में आपके 10-14 नंबर आ गए, 12 नंबर आ गए, जितने भी 5-6 नंबर जितने भी आए, तो अगला जो टेस्ट आपने दिया उसमें 16-17 नंबर आ गए तो आपका वो वाला माना जाएगा। बाकी अगर पहले नंबर में, पहले टेस्ट में आपके 16 नंबर आ गए, दूसरे में 10 आ गए, तो जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे वही आपको माना जाएगा आपका, तो उसी में आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूएयू की जो साइट पर है कि कैसे आपको देना है वहाँ पर टेस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।